हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के कंडीशन में बात करें तो बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेंडेलियन कंसेप्ट है। पहले तो अपनी लॉ ऑफ फैक्टर और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे बात करेंगे क्या कि इसमें अपन देखेंगे क्या कि एक इसकी जो दूसरी लॉज है जो मतलब कि कार्ल कॉर्डेंस के द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों दिए हैं। इसमें देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडेलियन कंसेप्ट के आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने लोगों को बात करेंगे क्या कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है। सेग्रीगेशन मतलब होता है हटना। कैसे हटना, क्यों हटना, किससे हटना, तो मतलब कि ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है जो एक पेरेंट, एक जो है मदर से है, दूसरे जो फादर से है। अब क्या होता है कि जब गैमिटोजेनेसिस होता है, गैमिट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं कि एक ही मतलब कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम में से एक गैमिट के फॉर्म में आते हैं। बिल्कुल, इतना बात तो समझ में आता है, गैमिट के फॉर्म में आते हैं तो एक ही क्रोमोजोम जो है मूव करके आए, तो इसे क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन हो गया होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम का। तो कब होता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान आप जानते हैं कि वहाँ पे रिडक्शन डिविजन्स होता है, तो जो 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 क्रोमोजोम जो डिप्लोइड था वो क्या चेंज, क्या किस में चेंज हो जाता है, प्लोइड। बिल्कुल बिल्कुल सिंबल सफंडा है। और कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है और किस तरीके से अपन क्या करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे कि ये जो देखने वाले चीज़ें हैं यहाँ पे, कि जिस तरह से अपने लोग जो है यहाँ प्रोबेबिलिटी वाली फैक्टर की बात करेंगे कि किस तरह से आप में नेक्स्ट जनरेशन में जो जाने वाले हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डोमिनेंसी की है या रेसेसिव वाली है, किस तरह का है, कौन सा जीन जो है, कौन सा जो है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम में से जो है एक कौन सा क्रोमोजोम जाने वाले हैं जो रेसेसिव है या डोमिनेंट है। मतलब कि इसमें दोनों के दोनों कंडीशन में अपन देखेंगे, गैमिट मेल गैमिट बनाते समय, फीमेल गैमिट बनाते समय, तो दोनों के दोनों सिनेरियो अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए, सबसे पहले क्या हेडिंग दोगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेशन, दिखता ना, ये सेकंड लॉ है, सेकेंड लॉस ऑफ मेंडल, दूसरा नियम है मेंडल का। यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होता है कि ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस तो आप कह सकते हो कि गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, गैमिटो मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शंस फॉर्मेशंस, ठीक है ना, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट समझते ना, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशंस, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशंस पेयर ऑफ फैक्टर सेग्रीगेट, समझ में आ रहा ना, सेग्रीगेट। दूसरी बातें करेंगे, गैमिट विल हैव वन यूनिट फैक्टर आउट ऑफ पेयर फैक्टर, पेयर में से कितने गए, सिंगल ही जाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि गैमिट आर प्रोड्यूसेस, गैमिट आर प्रोड्यूसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन और फ्रीक्वेंसी। अब क्या कंडीशन है, किस तरीके से होगा, आपको दिखाता हूँ मैं। कि मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ क्या पी, आप जानते, सब जानते कि पी पे ही एक्सपेरिमेंट किए हैं मंडलवाय साहब ने। तो पी को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। और पी को सेलेक्ट करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है उसकी पी की पेरेंटल जनरेशन
जिसको क्या मानेंगे, पेरेंटल जनरेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि गैमिटोजेनेसिस होगा, क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस होगा। और गैमिटोजेनेसिस के दौरान अपन बात करते तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% की प्रोबेबिलिटी है ये गैमिट होगा और 50% क्या होगा, ये गैमिट होगा। इतना ही तो समझ में आता। इसको यदि क्रोमोजोम की बेसिस पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मान लो कि होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोजोम यहाँ, एक क्रोमोजोम यहाँ, यहाँ पे दो फैक्टर, ठीक है ना, ये कैपिटल टी के लिए, ये स्मॉल टी के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये मतलब कि ये दोनों के दोनों क्रोमोजोम जो हो गया आपका होमोलोगस क्रोमोजोम। इतने बात तो समझ में आता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें रिडक्शन डिविजन्स होता है, या ऐसे ही क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हो। यहाँ पे क्रोमोजोम की नंबर रिड्यूस टू क्या होता है, रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते हैं। तो दो में से एक जाएंगे, एक पास करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा, गैमीट बना। और गैमीट बनने के टाइम में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ गैमिटोजेनेसिस रिडक्शन डिविजन्स में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, जो दोनों के दोनों क्रोमोजोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई करता है और दोनों के दोनों क्रोमोजोम सेग्रीगेट होती है उसी टाइम में। तो देखते जाओ, यहाँ पे अपन बात करेंगे, गैमीट बन गया। अब क्या है कि यहाँ ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस होमोलोगस क्रोमोजोम लाय ऑन इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज स्टेज, इन मेटाफेज स्टेज मेटाफेज के कंडीशन में। तो आप देखो किस तरीके से रहेगा, ये दोनों क्रोमोजोम कहाँ किस तरीके से अरेंज होंगे, ऐसा, समझ में आ रहा है ना, एक तो कैपिटल टी वाली, एक स्मॉल टी वाली। तो यहाँ पे क्या है कि गैमीट ये क्या होगा, ये जाएंगे वन पोल, उस समय में सेग्रीगेशन होगा, ये जाएंगे नेक्स्ट पोल पे, सेग्रीगेट हो करके दोनों के दोनों क्या बन गए, गैमीट। तो एक गैमीट जो है, एक गैमीट ये हो गया, एक गैमीट ये हो गया, दोनों के दोनों गैमीट गए। अब सिचुएशन है क्या कि अपन बात करें, दोनों अपने अपने पोल पे पहुंच गए तो गैमीट की फॉर्मेशन हुई। अब ये गैमीट कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करें कि फॉर द स्टडी ऑफ ठीक है ना, दिखता ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वी टेक एग्जाम्पल के तौर पे क्या करा हमने, लिया स्टेम हाइट को लिया। मान लो कि अपन यहाँ पे पेरेंट को एक जो है कैपिटल टी वाला है, मतलब कि हमें प्योर लाइन चाहिए, ठीक है, प्योर लाइन चाहिए। तो ये पेरेंटल जनरेशन की बात करेंगे बेटा, इसको शॉर्ट में अपन पीजी लिख देंगे तो चलेगा ना, पेरेंटल जनरेशन है ये। मान लो कि हमने कहा कि ये क्या है, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस, बिल्कुल यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगा, अरे समझे ना, मियोसिस। तो क्रोमोजोम नंबर घट के आधी हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा देखो सिमिलर होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसमें से आधे जाएंगे, सेम टाइप का है, हेट्रो नहीं है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ये जाएंगे और कम्प्लीटली ये जाएंगे। अब क्या होता है कि ये क्या बन गया, ये गैमीट बन गया, ये क्या बना जी बोले तो, गैमीट। अब ये दोनों के क्या होते हैं कि फर्टिलाइजेशंस होगी, और फर्टिलाइजेशंस होने के बाद फर्टिलाइजेशंस होगी, दैट मीन्स कि फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा और क्या बना देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो ये जो बना बेटा ये F1 जनरेशन है। क्या है? F1 जनरेशन है, बोले तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। ये क्या हो गया? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और इसमें क्या करेंगे कि सेल्फिंग करेंगे, इसको फिर से क्या करवाते हैं? सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान क्या क्या होता है उसमें देखो, अपन देखते हैं कि फ्लावर के कंडीशन में क्या है कि एक तो गायनोशियम है, एक एंड्रोशियम है, एक कैलिक्स है, एक कोरोला है। तो ये दोनों की तो कोई काम ही नहीं, सपोर्ट करेंगे, मतलब सपोर्टिव है। यहाँ पे इसके कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। और एक के कंडीशन में यहाँ पे भी गैमीट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन बनाएंगे, और इसमें भी क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इतने तो समझ में आता, ये हो गया। तो अब क्या कंडीशन है कि इसमें कितना कितना परसेंट, तो ये गैमीट बनने की चांसेस क्या है? इसमें 50%, इसमें भी क्या है, मतलब कि एक के कंडीशन में इसमें भी क्या है 50% चांसेस है कि ये छोटा वाला बनेगा। पॉलन ग्रेन के भी कंडीशन में 50% चांस है कि कैसा बनेगा, तो कैपिटल टी वाला बनेगा, और 50% जो है कैसा बनेगा, स्मॉल टी वाला बनेगा। इतने बात तो समझ में आता। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फिंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाएंगे किससे? कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो इसको जानने के लिए हमें चेकर बोर्ड देखना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत धांसू है। चेकर बोर्ड कहने का मतलब है कि एक जो है, मतलब कि एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिसको हमें चेकर बोर्ड की मदद करना पड़ेगा। और चेकर बोर्ड के कंडीशन में पर्नेट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सी पर्नेट जो है नाम के साइंटिस्ट ने क्या करे, चेकर बोर्ड को बनाया फॉर द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप। तो जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, चेकर बोर्ड बनाया। उसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सेल्फिंग करने के बाद जो है यहाँ पे हमें जो भी मिलेगा, ठीक है ना, फर्टिलाइजेंस होगा। और फर्टिलाइजेंस होने के बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद कोई प्रोडक्ट आके बनेगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये F2 जनरेशन आएंगे। हमें तो मिल गए हैं, क्या F1 मिले हैं, इसको अब सेल्फिंग करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पर्नेट भाई साहब को याद करना पड़ेगा, और इसमें प्रोबेबिलिटी की फाइंडिंग के लिए हमें चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि चेकर बोर्ड क्या होता, चलो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं। ठीक है, वी टेक पर्नेट स्क्वायर फॉर द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग प्रोडक्ट। अब ये चेकर बोर्ड क्या होता है, ये आप बात करते हैं। चेकर बोर्ड क्या होता है? चेकर बोर्ड तो वही सारा का सारा पर्नेट स्क्वायर बोलो या उसे ही चेकर बोर्ड बोलो। तो इसे कह सकते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू calculate probability of all possible genotype of offspring। जितने भी offspring, जितने भी बच्चे हैं, उसकी जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए अपन क्या जानते हैं, चेकर बोर्ड या पर्नेट स्क्वायर। इट इज डिस्कवर्ड बाय सी पर्नेट नाम के साइंटिस्ट ने चेकर बोर्ड और
पंडित स्क्वायर को दिया, नाम से भी आप जान सकते हैं। तो इसमें देखो क्या करते, किस तरह से प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए अपन देखते हैं। तो हमें अब सेल्फिंग करनी है, किसका, F1 जनरेशंस का। मतलब कि हमने कहा कि बेटा ये कैपिटल टी स्मॉल, मतलब कि ये फीमेल है और इसको जो है क्रॉस करवाए थे स्मॉल टी से, देखते जाओ स्मॉल टी ये क्या है, मेल है। यहाँ पे हमने क्या किया था, गेमीट बनाया। गेमीट बनाने के लिए हमें क्या मिला, एक मिला, और इसको फर्टिलाइजेंस करने के बाद जो प्रोडक्शंस मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, दैट इज F1 जनरेशंस। अब F1 जनरेशन का क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्फिंग करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा F2 जनरेशंस। तो अब करना क्या पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए पंडित स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक पंडित स्क्वायर को लिया, और पंडित स्क्वायर में देखो क्या कंडीशन है कि इधर से हम मान लो कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें ये क्या हो गया बेटा, ये रो हो गया, और नीचे जब जाएंगे तो इसको कॉलम बोलेंगे, तो कॉलम में किसको लेंगा, मेल को लेंगा। तो यहाँ पे देखो इसको करो, तो इसका गैमेट टी स्मॉल टी, इसका गैमिट क्या, गैमिट देखो ना भाई, बना दिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल मतलब कि यहाँ पे, ठीक है ना, कैपिटल टी कितना, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा बनेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दिख रहा है ना। तो आपको क्या दिखा कि दो तो एक जैसे दिखा और दो अलग अलग दिखा। मतलब कि यदि फिनोटिपिकली अपन बोले कि मतलब उसकी 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 मॉर्फोलॉजी के उसकी उसकी मॉर्फोलॉजी को देख करके अपन बात करें, तो तीन तो एक तरह का है और एक अलग तरह का है, बट उसके जीनोटिपिक रेशियो को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, चेकरबोर्ड को इस्तेमाल करना पड़ता है, पंडित स्क्वायर को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे पास जो रेशियो मिलता है बेटा, तो आफ्टर द सेल्फिंग हमें मिल गया क्या, ये जो मिला है, ये मिला है F2 जनरेशन। ये चार प्रोडक्ट हमें मिला। अब इस चारों प्रोडक्ट में क्या क्या है, चलो अभी मैं देखता हूँ। अब इस पे ढेर सारे सवाल बनेंगे, ये प्रोबेबिलिटी को थोड़े से फाइन करने के लिए आपको बात करेंगे। क्या क्या आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन We obtain, ठीक है ना, F2 जनरेशन कैसा हमें मिला। तो एक तो हमें मिला कैपिटल टी, दो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला स्मॉल टी, ठीक है, इतना मिलता है। तो इसको यहाँ हटा करके, यहाँ से यहाँ हटा करके क्या देंगे, एक मिला, दो मिला, यदि रेशियो अपन देखते हैं, ठीक है ना, और एक मिला। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कितने प्रोडक्ट हो गए, चार प्रोडक्ट हुए। अरे भैया समझ में आया कि नहीं, एक ये है, दो ये है, एक ये है, तो कितना, चार मिला। अब इस चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में क्या करेंगे, चार में से एक बट्टे चार, वन बाय फोर कितना है, कैपिटल टी। फिर जो है मतलब कि ये देखो 2/4 जो है अपना क्या भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 मतलब चार में से एक जो है स्मॉल टी, चार में से एक जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन चार में से दो 2/4 मतलब कि चार में से दो कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो कि दिस जीनोटिपिक रेशियो कैन बी मैथमेटिकली, ठीक है ना, कैलकुलेट बाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। और बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या लेंगे देख लो थोड़ा सा, ax + by का
होल स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिखता है ना, दिखता, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, वाई क्या है, तो ए जो है, ए क्या है, ए ए आपका जो है प्रोबेबिलिटी विद द डोमिनेंट एलील, प्रोपोर्शन ऑफ डोमिनेंट एलील, और बी क्या है बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है ना, रेसेसिव एलील, ये दिखा। लेकिन अब x क्या है, y क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो x को कैपिटल T माना और y को स्मॉल t माना। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों की एक प्रोबेबिलिटी की रेशियो अपन बनाएं तो कितना लेंगे, ये जो प्रोपोर्शन है कितना, इसका प्रोपोर्शन कितना है भैया, 50%। अरे भाई यही है ना, ठीक है। और दूसरा B का प्रोपोर्शन, B कितना, 1/2, और ये इतना, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, दिखता है यहाँ तक। तो हमें क्या मिला कि ये जो है कितना है, 1/2, 50% है, और यहाँ पे 50% क्या है, हमने गैमेट निकाल के दिखाया है, ये भी कितना है, 50%, और ये दोनों का बाइनोमियल एक्सप्रेशन अपने को करना है। तो देखो इसको करो, तो आप इससे निकालोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे जानते, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे ऐसे नहीं जानते क्या। तो इसको कैसे अपने सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करके रखेंगे, तो कैसे a प्लस बी इज टू ए प्लस बी, ऐसा लिखेंगे। अरे जानते कि नहीं जानते, अरे भैया इसको कैसे आप लिख सकते, a प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, दो गो ए प्लस बी तो स्क्वायर आ गया ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो 1/2 t प्लस 1/2 t, इसको ऐसे लिखेंगे, 1/2 T प्लस 1/2 t हुआ। अब इसको उसी के रेशियो में अपना जो है करते जाओ, 1/4 T प्लस, ठीक है ना, उसी तरीके से करो जैसे जो आप इसमें करे हो, उसी तरीके से करने से आपको दोनों के दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4 क्या भाई, क्या स्मॉल t प्लस 1/4 T कर लो, कैपिटल T, और ये क्या स्मॉल t प्लस, ठीक है ना, प्लस 1/4 दोनों आएगा ना, ये दोनों आएगा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ 1/4 स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको सिंप्लीफाई, ये दोनों के दोनों रेशियो और दोनों के दोनों चीज़ें हमें सिमिलर मिलता है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हमें सिमिलर मिल रहा है, अरे समझ में आता कि नहीं। तो ये दोनों को एक जगह लिख देंगे, कितना, 1/4 कैपिटल टी प्लस 2 है, ठीक है ना, 2 है, और क्या लिखोगे, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी स्मॉल टी। अब और इसको करो, कर लो कि 1/4 कैपिटल टी प्लस 2/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी स्मॉल टी। ये रेशियो आया क्या, ये रेशियो आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये कितने परसेंट है, 25%, ये कितने परसेंट है भैया टोटल का, 50%, ये कितने परसेंट है,
25%, इसका मतलब है कि प्योर टॉल जो है 25% है प्रोबेबिलिटी आएगा जब सेल्फिंग करेंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी को, और 50% आने वाला है कौन सा, हाइब्रिड टॉल, और 25% कैसे आएगा, ड्वार्फ आएगा। ये बातें समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो इतनी बात तो समझ में आता है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे चीज़ें बताते हैं अपने को कि भैया मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है ना, मैथमेटिकली, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग ऑफ जीनोटिपिक रेशियो। इतने बात तो समझ में आ गया, चलो इसको आप लोग ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो मैं फिर आता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।